एक वायरस ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। विश्व में करोड़ों जिंदगियों पर संकट इस वक्त खड़ा हुआ है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी है, लेकिन इस कोरोना संक्रमण के दौर में भारत को अपनी नई पहचान बनानी है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। और इस आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 पिलर जो बताए, सुनिए। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर भारत को बुलंदी पर पहुंचाने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि अब इतिहास 2 हिस्सों में लिखा जाएगा, कोरोना से पहले का भारत और कोरोना के बाद का भारत। लिहाजा अब देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर पर खड़ी होगी। ये 5 पिलर हैं इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारे पास साधन है, हमारे पास ताकत है, दुनिया की बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने लोकल को वोकल बनाने का नारा भी दिया। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के बूस्टर पैकेज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से दुनिया चीन को संशय की नजर से देख रही है, उससे भारत के विश्व महाशक्ति बनने का रास्ता और पुख्ता हो गया है। के प्रति जिस प्रकार की भावना पूरे वर्ल्ड में हो रही है, वो देखते हुए मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, और इसलिए पूरे दुनिया में इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए ये जो एक बहुत अच्छा ताकतवान ऐसा बूस्टर डोज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे गांव, गरीब, मजदूर, किसान से लेकर उद्योजकों तक सबके लिए इसका फायदा होगा। जो 20 लाख करोड़ की जो बात कही है, जिसमें 1,75,000 पहले से अनाउंस किया, स्टिमुलस डिक्लेयर किया जा चुका है, ये पैसा कहाँ से आएगा? और उम्मीद रखते हैं कि वित्त मंत्री जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगी, क्योंकि जो टैक्स रेवेन्यू है वो पूरी तरह से गिरी है, जीएसटी का है वो पूरी तरह से गिरी है। विरोधी भी मोदी की आर्थिक कला के मुरीद हो चले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आर्थिक पैकेज की तारीफ करते हुए कहा कि देर से आए दुरुस्त आए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फंड का आवंटन होने के बाद ही मोदी जी के बूस्टर पैकेज की असलियत पता चलेगी। देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर, ये स्थिति बनी है और पैकेज है, इसका तो सभी स्वागत कर रहे हैं। देखना ये कि कल से वित्त मंत्री किस रूप में क्या क्या घोषणाएं करती हैं लगातार, उसे अंदाज लगेगा किस रूप में ये पूरी इकोनॉमी जाएगी देश की, क्योंकि पहले से स्लो इकोनॉमी थी देश की, फिर कोरोना आ गया तो तमाम राज्य सरकारें बर्बाद हो गई। सवाल इस बात का है कि गरीबों को कितना मिल रहा है, किसानों को कितना मिल रहा है, व्यापारियों को कितना मिल रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में कितना मिल रहा है, और राज्य सरकारों को कितना दिया जा रहा है, और ये कब तक के लिए तत्काल कितना दिया जा रहा है, कि 2022 के बाद कितना मिलेगा, 24 के बाद कितना मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के बताए रास्ते पर कैसे चलना है, इस योजना को विस्तार देने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कंधों पर है। उम्मीद है देश का आर्थिक चक्का रफ्तार पकड़ेगा और मुश्किलों का दौर खत्म होगा। आज तक ब्यूरो।